पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, उसे हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहती है। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को है, मैं एक घटना की याद दिलाना आपको चाहता हूं। पायलट अभिनंदन को लेकर, पायलट अभिनंदन के नाम से आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से। पायलट अभिनंदन जिस समय उनका हवाई जहाज वहां पर गिरा था, फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था, जानते हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है। बहनों भाइयों,